हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू निर्मला's किचन। आज हम बनाएंगे उपवास की नानखटाई। नानखटाई बनाने के लिए मैंने ये माप लिया है, एक कटोरी। ये देखिए, मैंने एक कटोरी शक्कर ली है, छान के लिया है, हाफ कटोरी घी लिया है और दो कटोरी राजगिरा आटा लिया है, उसको छान के रखा है, बादाम गार्निशिंग के लिए और इलायची पाउडर। फ्रेंड्स, हम राजगिरा आटे को रोस्ट करके लेंगे, सिर्फ एक या दो मिनट, ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसमें जो स्मेल आती है वो निकल जाएंगी। अब मैं गैस बंद कर रही हूँ, हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है। फ्रेंड्स, पहले हम हाफ कटोरी घी लेंगे। घी को मैंने फ्रिज में सेट होने के लिए रखा था। और एक कटोरी हम शक्कर डालेंगे और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, इतना सॉफ्ट होने तक हमें ये देखिए मिक्स करना है, फेंटना है। अब हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे और आटा डालेंगे। और मिक्स करेंगे अच्छे से। ये देखिए, अगर आपका बैटर सॉफ्ट ज़्यादा रहता है तो आप उसमें और आटा ऐड कर सकते हैं, और अगर आपका आटा ज़्यादा हो जाता है ऐसा लगता है तो आप थोड़ा सा दूध भी डाल के थोड़ा उसको सॉफ्ट कर सकते हैं। पहले आप देख लीजिए, ऐसे करके थोड़ा ड्राई लग रहा है तो मैं 1 स्पून पहले डालती हूँ, ज़्यादा नहीं डालती हूँ, दूध डाल रही हूँ मैं। ये देखिए, दूध को गर्म नहीं किया है मैंने, ऐसे ही डाल रही हूँ, डायरेक्ट फ्रिज में से निकाल के रखा था मैंने बाहर। जब तक बाइंडिंग अच्छे से नहीं आती है आप थोड़ा सा दूध डालते जाइए। फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने 2 टेबल स्पून दूध डाला है, और आप ऐसे करके देख लीजिए। और आपका सपोज दूध ज़्यादा गिर जाता है और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है तो आप थोड़ा टाइम फ्रिज में भी रख सकते हैं। अब हम उसका बिस्किट का शेप देंगे, आपको जो शेप देना है, हम नानखटाई बना रहे तो राउंड शेप देंगे, या तो अगर आपके पास कटर है तो आप कौन सा भी शेप दे सकते हैं, हार्ट शेप वगैरह। आप छोटे बड़े जितना करना है आप रख सकते हो। और बादाम से हम गार्निशिंग करेंगे, थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए। इस तरह हम सब बना लेंगे बिस्किट्स और ओवन की प्लेट में हम रखेंगे। फ्रेंड्स, हम बनाते समय इसमें आटा ड्राई हो जाता है तो हम थोड़ा थोड़ा दूध डाल के उसको सॉफ्ट बनाएंगे, और बाद में हम उसको बिस्किट का शेप देंगे तो जल्दी हो जाता है। ये देखिए, इसमें क्रैक्स नहीं दिखाई देंगे, जल्दी जल्दी हो जाएगा। जैसे आटा आपको लगे ड्राई हो रहा है तो आप थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाइए।
5 मिनट्स हमें प्रीहीट करना है और हमें 180 डिग्री सेल्सियस पर ओटीजी ओवन में हम 15 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। सबका ओवन अलग अलग रहता है, आपका जैसा ओवन रहेगा आप देख लीजिए, उस हिसाब से आप बेक कीजिए। फ्रेंड्स मैंने 25 मिनट्स रखा था और ये देखिए लाइट ब्राउन हो गया है बॉटम में, उसको आप टच करके देखेंगे तो सॉफ्ट ही रहेगा क्योंकि राजगिरा का ही है सिर्फ, और उसको उठा के देखना नहीं है क्योंकि टूट जाएंगे। तो सिर्फ आप देख सकते हैं बॉटम में कॉफ़ी हो गई है, लाइट कलर आ गया है। तो अब मैं बंद कर रही हूँ और उसको बाहर निकाल के जब तक पूरा ठंडा नहीं होता है तब तक हमें उसको निकालना नहीं है। फ्रेंड्स हमारी बिस्किट रेडी है, उसको पूरा ठंडा होने के बाद ही हमें निकालना है, अगर आप गर्म में निकालेंगे तो टूट जाएंगी। और मैंने 25 मिनट्स मेरे लगे हैं और मैं उसके साइज़ के ऊपर भी डिपेंड रहता है, अगर आप पतला रखेंगे तो जल्दी भी हो सकता है और फैट रखेंगे तो थोड़ा टाइम भी लग सकता है। तो सिर्फ आप बॉटम को देखना है कि लाइट कॉफ़ी हो गया है या नहीं है, उसको उठा के नहीं देखना है गर्म में। और बिल्कुल ठंडा हो गया है, अब हम उसको निकालेंगे। ये देखिए, और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है, आप इसे ज़रूर बनाएं। ये देखिए फ्रेंड्स हमारे उपवास के बिस्किट रेडी है, बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। जब भी आपका उपवास रहेगा आप इसे ज़रूर बनाइए और खाइए। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट देना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।